हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान है कि सर मेरे में जो है ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी रिलेटेड सर मेरे में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद अगर आप ओटीपी को भेजते हैं तो डेफिनेटली आपके ओटीपी जो है फ़ोन में तुरंत चला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि आपके फोन में रिचार्ज है या नहीं है, इनकमिंग मैसेजेस जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं है। तो डेफिनेटली देखिए, इसके ऊपर तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली सभी के में रिचार्ज तो होता ही होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी करेंगे हम दोस्तों कि आपके फोन में अगर ओटीपी नहीं आ रहा है, देखिए आपके फोन में अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो सिंपल सा काम आपको यही करना है कि आपको ओटीपी भेजने के 30 सेकंड पहले फोन को फिर से रिस्टार्ट कर लेना है, या फिर उसको फ्लाइट मोड लगा करके उसको ऑन कर लेना है। जैसे आप लोग फ्लाइट मोड लगा के ऑन करेंगे, देन ओटीपी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, रिसेंट ओटीपी करेंगे, तुरंत ही आपके फोन में ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तब भी नहीं आता तो एक चीज और आपको करना है, जो आपके मैसेजेस हैं उसमें देखना है कि कहीं इनबॉक्स वगैरह फुल तो नहीं हो गया। वैसे इनबॉक्स तो इतनी जल्दी फुल नहीं होता तब भी, लेकिन आप 2-3-4 SMS जो है वो डिलीट कर देना है, उसके बाद फिर से रिसेंट ओटीपी करना है। बट मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप एक बार फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे, नेटवर्क को फ्लाइट मोड में लगा करके दोबारा से उसको फ्लाइट मोड को जो है ऑफ करेंगे, तो डेफिनेटली जो है आपका जो ओटीपी है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि सभी की प्रॉब्लम आ रही थी कि ओटीपी वाले काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर ओटीपी नहीं आ रही, ओटीपी नहीं आ रही, ओटीपी नहीं आ रही। तो आप इतना काम करिएगा, ओटीपी तुरंत ही आ जाएगा। मैं देखता हूँ कि मैं जितनी बार करता हूँ फ्लाइट मोड लगा करके उसके बाद ओटीपी भेजता हूँ, तुरंत ओटीपी आ जाती है, तुरंत ओटीपी आ जाती है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी मैं आपसे बताने वाला हूँ कि अभी दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है सीटें जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सीटें जो है वो बहुत कम हो गई, यानी कि दोस्तों भर्ती ही जा रही हैं उत्तर प्रदेश की सीटें। जैसे कि अभी कल के दिन मैंने लखनऊ का आपको दिखाया था, तो लखनऊ में काफी ज्यादा सीटें खाली थी। अभी देखिए 52,000, 59,000, 56,000 थी, अभी क्या है 34,000 सीटें जो है टोटल वो बची हुई हैं। यानी कि बिहार के लोग भी इधर की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि बिहार में सारे सेंटर्स जो है वो फिलहाल के लिए फुल हो चुके हैं, ठीक है। तो रही बात ओटीपी की, तो ओटीपी दोस्तों आप लोग ऐसे ट्राई करिएगा, डेफिनेटली ओटीपी आपके में सेंड हो जाएगी, ओटीपी आ जाएगी। बस आपको काम यही करना है, थोड़ा सा नेटवर्क के ऊपर ध्यान रखना है, नेटवर्क आपके में होना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी वोल्टी वगैरह जो है वो ऑन होना चाहिए, और उसके बाद आपका फ्लाइट मोड में लगा करके दोबारा से ऑन करिएगा, डेफिनेटली जो है ओटीपी आपका आ जाए। ओटीपी रिलेटेड तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, बस आपके में पता नहीं क्यों ओटीपी रिलेटेड दिक्कत हो रही है। हो सकता है सर्वर रिलेटेड, हाँ ये मान सकते हैं सर्वर रिलेटेड साइट नहीं चल रही है, बट ओटीपी तो आती ही आती है। बस एक बार आप लोग फ्लाइट मोड लगा करके या फिर वगैरह वगैरह आपको फोन स्विच ऑफ करके या फिर SMS की जो वो है उसको थोड़ा सा खाली कर दीजिएगा, उसके बाद रिस्टार्ट वगैरह फोन करके उसके बाद ओटीपी भेजेगा, डेफिनेटली आपका जो ओटीपी है वो आ जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी परेशानी आ रही है, तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप नंबर, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे ओटीपी अगर नहीं आ रही है तो डेफिनेटली उस रिलेटेड जो है समाधान आपके किए जाएंगे, बस आपका फॉर्म अप्लाई होना चाहिए बस, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।